अगला क्वेश्चन है कि लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, इसका राइट आंसर है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि हॉब्स के लिवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभु। अगला है कि रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अगला है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को इनमें से कौन सा प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, सी नंबर का, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है, डी यानी कि रूसो ने, ठीक है। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। अगला है कि रूसो के अनुसार समझौता की संख्या कितनी थी, इसका राइट आंसर है तीन, ठीक है। अगला है कि एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतम है, यह उक्ति किसकी है, ये उक्ति है जेएस मिल की। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार। अगला है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। अगला है कि बोधा द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा है, यानी कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जीवन का अधिकार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है रूसो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प इच्छा का सिद्धांत यहाँ पर दिया है, राइट आंसर है यहाँ पर लॉक। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति का वर्णन किया है। अब मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इसका बेंथम राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर है टी एच ग्रीन का। अगला है कि टी एच ग्रीन माने जाते हैं, टी एच ग्रीन क्या माने जाते हैं, तो एक आदर्शवादी विचारक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है, राइट आंसर है डी सोशल जस्टिस। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार यहाँ पर दिया है, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस देश से संबद्ध थे, रूसो का संबंध यहाँ पर फ्रांस से था। अगला है कि नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, नगर राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए किया जाता है। अगला है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक था, यह कथन किसका है। अब आपका एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है, अधिकतर क्वेश्चन वही है जो आपके आए हुए हैं पहले, इसका राइट आंसर है हॉब्स। अब बढ़ते हैं आगे कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार यहाँ पर नहीं है, समानता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसो। अगला है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन किसका है, मार्क्स का है। अब बढ़ते हैं आगे कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पीड में उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना कि काव्य पाठ, यह किससे संबंधित है, इसका संबंध है यहाँ पर बेंथम से। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है मैकियावेली। अगला है कि किसने कहा था मैकियावेली अपने युग का शिशु था, डनिंग ने कहा था। अगला है कि टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉक। अगला है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यहाँ पर फिर से सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट ही हो रहे हैं, आपका रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसी वजह से रिपीट हो रहे हैं, मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे कि कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है या कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है, राइट आंसर है इसका डी, यानी कि मार्क्स ने कहा था, ठीक है, मार्क्स का विश्वास था। अगला है कि जनसंप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, रूसो के द्वारा। अगला है कि राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंथम ने। अगला है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है या मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसने सामाजिक समझौते की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ यहाँ पर जोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स ने। अगला है कि राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है या दृष्टिकोण किसके द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया है, राइट आंसर है हीगल। अगला है कि निम्न में से किसने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ऑप्शन ए मार्क्स ने। अगला है कि निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, राइट आंसर है जॉन लॉक को।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल शिक्षित व्यक्तियों सॉरी कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों के ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जीएस मिल। अगला है कि निम्नलिखित विचारक में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या कथन किससे संबंधित है। हीगल से संबंधित है कथन। अगला फिर वही क्वेश्चन है कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है या कथन किसका है, तो जीएस मिल का है। अगला है कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्टन ने कहा है। अगला है कि रूसो का संप्रभु जो कि शासक कहा जाता है, हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन किसका है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है बी बार्कर का कथन है। अगला है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन का। अगला है कि सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ यहाँ पर आपका आया है, रूसो इसके लेखक हैं। अगला है कि रूसो किस देश से संबद्ध थे। राइट आंसर है फ्रांस, आपको पता है। अगला है कि राजनीति का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी शब्द जो है पर्यायवाची पॉलिटिक्स यूनानी भाषा की किस शब्द से यहाँ पर मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर है आपका पॉलिस। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है, ये काफ़ी बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि टीएच ग्रीन माने जाते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी विचारक, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉक। ठीक है जी हाँ, लॉक। अगला है कि किस इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह कथन किसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीएच ग्रीन ने। अब बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है, हॉब्स नहीं करता है। अगला है कि वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, यह कथन किसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली के संबंध में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहस्तक्षेप। अगला है कि किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है, एक सेकेंड, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। राइट आंसर है हॉब्स। अगला है कि किसका मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिल। अगला है कि लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समानता। आगे है कि हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। अगला है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, तो पूर्व राजनीति। अगला है कि मनुष्य एक उत्तात वन्य प्राणी है अभिव्यक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी रूसो द्वारा। ठीक है, अगला है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की है यहाँ पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीएस मिल ने। अगला है कि हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है वह है यहाँ पर दैवीय अधिकार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विकासवादी सिद्धांत। अगला है कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूसो ने। अगला है कि सीमित अधिकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है, इसका राइट आंसर है लॉक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रवृत्ति संबंधित विचार से संगत नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राज्य बुर्जुआ वर्ग का पारंपरिक बीमा समझौता है। अगला है कि रूसो के अनुसार समझौतों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीन। आगे है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सार्वभौम राज्य से, सॉरी राज्य की उत्पत्ति से, ये मैंने अगला क्वेश्चन बता दिया, राज्य की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हॉब्स द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कॉमनवेल्थ, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे कि द प्रिंस के लेखक कौन हैं, एक सेकेंड, द प्रिंस के लेखक कौन हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। अगला है कि बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, उनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, वो आपके ही फायदे के लिए रहेंगे। इसका राइट आंसर है पर्याप्तता। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है, पर्याप्तता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर। ठीक है,
आगे है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को कर सकने या उन आनंदों का भोग कर सकने की क्षमता है जो कि नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय हो। यह कथन है किसका? यह कथन है, ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीन का। अगला है कि किसने कहा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, सॉरी प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये किसने कहा? इसका राइट आंसर है बी, मार्क्स ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। अगला है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? बेंथम से। अगला है कि नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? प्राचीन ग्रीस यूनान से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है, सर्वोच्च भी है, निरपेक्ष भी है, अधेय भी है। अब बढ़ते हैं आगे कि संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? राइट आंसर है बोदा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है, जुड़ने को बोला कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का यहाँ पर समर्थक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, हॉब्स भी है, लॉक भी है, रूसो भी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की यहाँ पर बात करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हॉब्स की व्यक्तिवाद की सही व्याख्या यहाँ पर करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरंकुश संप्रभुता। अगला है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, राजनीति से नीति शास्त्र की ओर धर्म को अलग करने के कारण, और राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में, और पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में। तो फिलहाल आज की ये जो क्लास है हमारी ख़त्म हुई, ठीक है, और ये पूरी सीरीज़ भी समाप्त हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट रहा। आई होप कि अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लेकिन आप फ्रेंड सर्कल तक अपने जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।